नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल सेजवान राइस कैसे बनाएं। तो दोस्तों, उसके लिए क्या सामग्री लगेगी वो मैं बताता हूं आपको। एक कटोरी जो है बासमती राइस चाहिए बॉयल, इसके अलावा हमें थोड़े से नूडल्स चाहिए, और ये सेजवान सॉस है जो मैं पहले बताया हूँ कि कैसे बनाना है। तो अगर आप नहीं जानते कि कैसे बनता है तो आप पीछे के वीडियो में जाके आप देखिए तो आपको पता चलेगा। तो ये है सेजवान सॉस, और इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ी सी ब्लैक पेपर चाहिए, इसके अलावा हमें भाजी चाहिए थोड़ी, ये देखिए, सॉल्ट चाहिए, अदरक चाहिए, थोड़ा लहसुन चाहिए, थोड़ा प्याज चाहिए, और थोड़ा सा जो है हमें पत्ता गोभी चाहिए, और इसके अलावा शिमला मिर्च चाहिए। आइए सबसे पहले हम डालते हैं तेल, हम कढ़ाई में लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, तो हम ले चुके हैं ये तेल। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, इसका थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑनियन डालेंगे, और जो है पत्ता गोभी डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमें इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसको भून देंगे आप, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सोया सॉस डालेंगे, और विनेगर डालेंगे, और टमाटर सॉस डालेंगे, और काली मिर्च डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, और आधा चम्मच करीब हमें अजीना मोटो चाहिए। तो ये तैयार हो गया, अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो है राइस है, बासमती राइस, हम उसको डालेंगे, हमारा नूडल है वो डालेंगे, तो दोस्तों इसमें हमें जो है नूडल डाला वो बॉइल किया हुआ है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है कैसे बॉइल करते हैं तो मेरे वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। और इसमें हम हमारा जो है काली मिर्च डालेंगे दो चुटकी के आसपास, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे दो चुटकी के आसपास अजीनोमोटो डालेंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा ये जो सॉस है जो हमने बनाया है सेजवान सॉस वो डालेंगे, मिक्स कर देंगे इसको। और इसमें जो हमारा जो है टमाटर सॉस डालेंगे आधा चम्मच के आसपास, विनेगर डालेंगे आधा चम्मच के आसपास, और ये सोया सॉस डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, वेज है तो इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा जो है डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसे, अब तेज आँच में इसको करना है। तो अब ये हमारा तैयार हो गया, अब हम जो बनाएंगे इसके लिए जो है वेज मंचूरियन बनाएंगे विद ग्रेवी, और इसको हम निकाल लेते हैं। घर में बनाए विथ ग्रेवी, तो उसके लिए क्या सामग्री लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पत्ता गोभी है कसा हुआ एक कटोरी, थोड़ा गाजर है, और शिमला मिर्च है थोड़ी सी, और एक जो है हरी मिर्च है कटी हुई। आइए तो हम इसमें डालते हैं। तो हमें चाहिए इसमें जो है ये मक्के का आटा चाहिए, ये करीब हम इसमें लेंगे, ये करीब दो चम्मच लेंगे, और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे मैदा डालेंगे, वो भी दो चम्मच के करीब डालेंगे हम, तो ये हम वेज बना रहे हैं इसलिए इसमें हम वेज डालेंगे, तो ये दो चम्मच डाल दिए हमने। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं। दोस्तों इसमें पानी नहीं डालना है, ये देखिए ये पत्ता गोभी है कैसा हुआ, तो हम इसको डालेंगे इसमें,
इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च एक कटी हुई, हरी मिर्च, सॉरी हरी मिर्च डालना है, और ये है गाजर, शिमला मिर्च डालना है इसमें, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, अगर आप चाहें तो चाइनीज नमक डाल सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा, और अगर ना डालना चाहें तो ना भी डालें चलेगा, लेकिन थोड़ा सा डाल दीजिए क्योंकि चाइनीज बन रहा है इसलिए, और स्वाद अनुसार नमक चाहिए इसमें। ये नमक स्वाद अनुसार, और अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। इसे पानी नहीं डालना है क्योंकि ये जो सब्जी है ये अपने आप ही पानी छोड़ेगी। इसमें आप थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं इसे कलर चेंज करने के लिए, और अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत हार्ड है तो इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल के कर सकते हैं। जैसे पानी पहले देखिए ये गोला बनने लायक हुआ कि नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी क्योंकि ये पानी छोड़ेगा, देखिए जैसे कि मैं ऐसे बनाऊंगा तो देखिए ये गोला बन गया इस तरह से, तो इस तरह से गोला बनाना है। और तलने के लिए हमें तेल चाहिए, देखिए तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, दोस्तों ये बॉल हमारे तैयार हो गए हैं, ये देखिए वेज मंचूरियन। अब हम आवश्यकता अनुसार तलने के लिए तेल ले लेंगे, और जैसे कि मैं तेल कढ़ाई में डाल चुका हूँ तो मैं इसमें धीरे धीरे डालूँगा, मध्यम आंच में रखूँगा, डीप फ्राई करेंगे। हमारे जो है वेज मंचूरियन जो है ये हो गया फ्राई होकर तैयार हो गया। अब हम इसके जो है आगे हम जो है ग्रेवी बनाएंगे। दोस्तों ये देखिए हमने ये मंचूरियन बना रखा था तो ये देखिए तैयार है, अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा तेल डालते हैं, इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा अदरक चाहिए, ये देखिए आधा चम्मच आसपास, आधा चम्मच के आसपास लहसुन चाहिए, थोड़ा सा हमें इसमें जो है प्याज चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए इसमें दो तीन हरी मिर्च चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, क्योंकि हम वेज बना रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो है इंग्रेडिएंट ये हो गया, इसमें हम सॉस डालेंगे हमारा ये सोया सॉस है जो आधा चम्मच के आसपास, टमाटर सॉस जो है वो आधा चम्मच के आसपास, और विनेगर है वो आधा चम्मच के आसपास, इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजीनोमोटो, स्वाद अनुसार नमक चाहिए हमें, तो ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब ये हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी सादा पानी, अब इसको हम पकने देंगे। जब तक ये तैयार होता है तब तक क्या हमें चाहिए, मैदा एक चम्मच मैदा चाहिए, और एक चम्मच हमें चाहिए मक्के का आटा चाहिए, तो हम इसको मिलाएंगे, ये देखिए, और वो तब तक पकता रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे,
दोस्तों इसमें हम पानी डाल दिए हैं, एक चम्मच मैदा है और एक चम्मच जो है मक्के का आटा है, उसको अच्छे से वो कर रहे हैं और करीब एक मिनट तक उसे पकने देना है। इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे, ये देखिए एक चुटकी के आसपास तैयार हो गया है। देखिए थोड़ा सा पक चुका है, अब इसमें हम डालेंगे जो हमने ये बनाया हुआ है, इसको थोड़ा थोड़ा डालना है दोस्तों क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि इसे ज्यादा ना डालें। तेज आंच बिल्कुल रखना है आप, इसको पकाना है। और इसके बाद जो हमने अपना मंचूरियन बनाया था उसको हम इसमें डालेंगे। दोस्तों आप इसकी ग्रेवी बढ़ा सकते हैं चाहे तो, अब इसको इसका होने देंगे थोड़ा देर। देखते रहना है, अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसको थोड़ा सा पानी, गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा थोड़ा करके आपको पहले ही डालना है। ये देखिए वेज मंचूरियन तैयार हो गया हमारा। इसे गर्मा गर्म खाइए बिल्कुल। ये देखिए ये ट्रिपल शेजवान राइस जो है तैयार है, ये सॉस के साथ आप खाइए। ये विनेगर है, सोया सॉस, चिल्ली सॉस। तो दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।